ओ भाई, तो फाइनली गाइस ग्रैंड पा अपने वाइस टाउन में आ चुका है। ग्रैंड पा ग्रैनी कहाँ पर है? अरे पिड़ो, ग्रैनी तो घर पे सो रही होगी, लेकिन मैं आज तेरे वाइस टाउन में घूमूंगा। यू व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द गेम प्ले ऑडियो। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं भाई रोप हीरो वाइस टाउन। तो गाइस, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, गाइस अपने वाइस टाउन में आए ग्रैंड पा। हाँ गाइज, और उसको वाइस टाउन में लेकर आया अपना रोप हीरो। तो गाइज, आप लोगों को भी जानना है तो आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, और यार इस वीडियो को लाइक भी कर देना। हाँ गाइज, आप लोग ना वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते तो आप लोग वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। गाइस, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, कुछ ज्यादा ही हो गया। तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, क्योंकि गाइस जैसे ही आप लोग लाइक करते हो ना, मैं तुरंत वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग जल्दी से लाइक करो। तो अभी फाइनली गाइस, मैं जल्दी से चलता हूँ टिप्सन बोस के पास, क्योंकि गाइस ये बात मुझे टिप्सन बोस को भी बतानी है कि आज हम लेकर आने वाले हैं ग्रैंड पा को वाइस टाउन में। ये तो ओके, फाइनली गाइस टिप्सन बोस का घर आ चुका है। और पता नहीं टिप्सन बोस किससे फोन पर लगे हुए हैं। हाँ भाई टिप्सन बोस, क्या हालचाल है भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। रो फिरो, और कहाँ है आजकल? रो फिरो तो दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं रो फिरो तो कहाँ पर जा रहा है आजकल, मुझे छोड़। अरे नहीं नहीं टिप्सन बोस, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैं अपने वाइस टाउन को ना बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं रोज अलग अलग ढूंढता हूँ, कुछ ना कुछ करेक्टर ढूंढता रहता हूँ। अरे रो फिरो, मैं तेरी बात समझा नहीं, तू क्या कहना चाहता है? रो फिरो, मुझे अच्छे तरीके से समझा तू भाई, मेरी समझ में नहीं आ रही तेरी बात, तू क्या क्या बोल रहा है। अरे टिप्सन बोस सारी बातें छोड़ो, ग्रैनी का जो हस्बैंड होता है ना ग्रैंडपा, आज हम उसको अपने वाइस टाउन में लेकर आने वाले हैं। रोफिरो, ग्रैनी तो कभी आती नहीं वाइस टाउन में, तो ग्रैंडपा को कहाँ से लेकर आएगा? और तूने उनका घर देखा भी है रोफिरो? वो बहुत खतरनाक है रोफिरो। अरे देखना टिप्सन बोस, आज मैं ग्रैंडपा को वाइस टाउन में कैसे लेकर आता हूँ। अरे रोफिरो, जब लेकर आएगा जब जानू, देखना रोफिरो वो ग्रैंडपा कितने खतरनाक है, वो तो तुझे मार डालेगा। रोफिरो कहते बोल रहा हूँ, कहीं मत जा, तू अपने वाइस टाउन में रह। टिप्सन बोस देखना, आज तो मैं ग्रैंडपा को लेकर ही आऊंगा। हाँ तो दोस्तों, ये रोफिरो की लास्ट वीडियो होने वाली है। हाँ रोफिरो, मैं सही बता रहा हूँ, देखना रोफिरो ग्रैंडपा तेरे साथ नहीं आएगा, और वो तो तुझे उधर ही मार देगा। हाँ हाँ टिप्सन बोस देखना, ग्रैंडपा को मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। हाँ तो ठीक है रोफिरो, जा और देखता हूँ मैं। हाँ हाँ टिप्सन बोस, मैं जा रहा हूँ। देखो टिप्सन बोस, मैं कितनी खतरनाक बाइक चलाता हूँ, ये देखो टिप्सन बोस, अब देखना तुम कितने काले हो जाओगे। तो हो गाइस, अभी तो मैं टिप्सन बोस के ऊपर अपनी बाइक का इतना धुआं डालकर आ चुका हूँ, टिप्सन बोस पूरे काले हो चुके होंगे। तो अभी गाइस फटाफट से ना मैं इधर से निकलता हूँ और सीधे टिप्सन बोस के पास। भाई भाई एक मिनट, इसने मुझे कैसे ठोका? रुक भाई जरा, कहाँ भागेगा तू? गाइस ये देखो कैसे निकल रहा है, रुक जा एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुको गाइस, मैं अपनी बाइक उठाता हूँ। ओ भाई, लेकिन ये तो पुलिस भी आ गई। लड़ाई दंगा करता है तो रुक जा रहा। भाई ये देखो गाइस, मतलब मुझे वो ठोकता है और पुलिस मेरे पीछे पड़ जाती है। गाइस यार ये मुझे बहुत बुरा लगता है, एक मिनट रुको, एक मिनट, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कहाँ पर भागेगा ये? गाइस ये कहीं भी जाए, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। रुक एक मिनट, रुक जाए इधर ही। भाई ये देखो कहाँ कहाँ पर लेकर जाएगा, लेकिन ये कहीं भी जाए, इसको मैं उधर ही मारूंगा। एक मिनट रुको भाई, ये पुलिस भी मेरे पीछे पीछे आ गई। बाहर निकल भाई, तू मुझे कैसे ठोक रहा है? ओहो भागेगा, एक मिनट रुको गाइस, इसको तो, इसकी भैंस की, इसको तो गाइस एक लात मारता हूँ मैं। और भाई ये देखो, पता नहीं कहाँ पर सफा हो गया, कहाँ पर है ये? गाइस ये तो निकल के सफा हो गया और ये पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। गाइस मैं फटाफट से अपनी बाइक उठाता हूँ और यार मैं जा रहा था ग्रैंडपा के पास, लेकिन इन्होंने मुझे इधर बिना मतलब ही लड़ाई दंगों में फंस दिया। हाँ गाइस, अभी मैं इधर से निकलता हूँ, क्योंकि गाइस अभी मुझे ग्रैंडपा के पास जाना है। और गाइस ओ भाई, लेकिन मेरी बाइक काफी खतरनाक चल रही है, तो इस बाइक को लेकर चलता हूँ मैं गाइस ग्रैंडपा की सिटी में, और देखना आप लोग हम ग्रैंडपा को कैसे लेकर आते हैं। और फाइनली गाइस अभी हम ग्रैंडपा की सिटी में आ चुके। ओ भाई, मतलब कि गाइस मैं इतनी बड़ी सिटी में आकर भी ठुक रहा हूँ। यार अभी फटाफट से अपनी बाइक उठाता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे भी ग्रैंडपा को देखना है, और वो पता नहीं ग्रैंडपा कहाँ पर होगा, क्योंकि गाइस इतनी बड़ी सिटी है, इस सिटी का नाम है GTA 5 लॉस सैंटोस। हाँ गाइस, पता नहीं ग्रैंडपा कहाँ पर होगा, क्योंकि गाइस मुझे बताया गया है कि ग्रैंडपा लॉस सैंटोस में आया हुआ है, और ये मैं अपनी खतरनाक बाइक लेकर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता भी ग्रैंडपा कहाँ पर है। वेट यार, मैं इधर किसी से पूछ लेता हूँ, लेकिन इधर तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। अभी अपनी बाइक को इधर रोकता हूँ और इधर कहाँ
वहाँ पर मिलेगा मुझे ग्रैंडपा। गाइस हम ग्रैंडपा को ना इधर से लेकर चलेंगे वाइस टाउन में, और अभी आप देखना। और फाइनली गाइस अभी मुझे इधर कुछ खड़े हुए बंदे दिखे हैं, मैं इन लोगों से पूछता हूँ, अरे भाई सॉरी यार, सॉरी भाई सॉरी। रुक जा भी, तेरी सॉरी निकालते हम, ये ले पकड़ो इसको, ये इधर से बचकर नहीं जाना चाहिए। अरे तुम्हें मैंने क्या कहा, तुम मेरे से फालतू पंगा क्यों ले रहे हो, तुम्हारी भैंस की। गाइस देख रहे हो, ओ भाई लेकिन ये तो काफी सारे लोग है यार। ओह शिट भाई, मैंने शायद गाइस गलत पंगा ले लिया। ओह वेट यार एक मिनट, इधर छिपकर देखता हूँ मैं। भाई साहब ये तो पूरी गैंग है यार, और इनसे मैंने गंगा लिया भी। एक मिनट रुको भाई, मेरे ऊपर इन्होंने ना गोलियां बरसा रखी है, अब मैं इनको बताता हूँ। एक को तो मैंने मार डाला गाइस यार, लेकिन ये इतने सारे लोग और मैं खेला ले भाई, दूसरा भी गया, लेकिन यार ये काफी सारे। ओ भाई मेरे सामने, भाई साहब मेरे सामने आकर मुझे मार रहा है। एक मिनट गाइस यार, यहाँ पर तो काफी पंगा हो गया, लेकिन वेट यार ये सब तो भाग रहे हैं यार, और मुझे लग रहा है भाई टू स्टार पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, अभी मुझे इधर से निकलना होगा। यार मैंने क्या पंगा ले लिया गाइस, मैं तो ग्रैंडपा को लेना आया था, लेकिन मैं भी इधर से फटाफट निकलता हूँ और सीधे मैं ग्रैंडपा के पास ही रुकूंगा। फटाफट इधर से निकल जाता हूँ मैं, क्योंकि यार भाई यहाँ पर भाई भाई नहीं यार गाइस, मैं तो इधर ठूकी जा रहा हूँ, और यार पता नहीं ये पुलिस, ओ वेट यार पुलिस मेरे पीछे से गाइस हट चुकी है। तो अभी जल्दी से अपनी बाइक उठाता हूँ, और पता नहीं गाइस ये ग्रैंडपा कहाँ पर होगा। गाइस इसने तो मेरे साथ फाइट करा दी, और मुझे लग रहा है गाइस ग्रैंडपा ना इधर ही होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर इतने ज्यादा गुंडे, और वहां पर ग्रैंडपा ना हो तो गाइस ऐसा हो ही नहीं सकता यार। लेकिन मैं अभी कहाँ पर ढूंढू, एक मिनट वेट गाइस, अभी मैं अपनी बाइक को ना सीधे इधर कहीं रोकता हूँ। एक मिनट गाइस, मैं अपनी बाइक को ना इधर जाकर रोकता हूँ फटाफट से गाइस। एक मिनट यार, वो ग्रैंडपा होगा कहाँ पर यार, मैं अपनी बाइक को कहाँ रोकू, कहाँ पर ग्रैंडपा होगा मुझे कुछ नहीं पता यार। फटाफट अभी इधर से निकल करना अपनी बाइक को मैं। ओ वेट यार भाई, मैं तो बड़ी तेज ठुक गया, अभी जल्दी मुझे इधर से निकलना होगा क्योंकि मैं इधर फंस चुका हूँ। और भाई देख लो रोपीरो कैसे करके इधर से निकल रहा है, और पता नहीं ग्रैंडपा कहाँ पर है। गाइस इस ग्रैंडपा ने कॉल करके तो मुझे इधर ही बताया था, लेकिन पता नहीं कहाँ पर छिपा हुआ है। गाइस मुझे लग रहा है ग्रैंडपा की भी फाइट डाउन गुंडे से हुई होगी, कहीं यार ग्रैंडपा को उन्होंने मार तो नहीं डाला। अभी मुझे देखना होगा यार आखिर वो ग्रैंडपा कहाँ पर है। गाइस मुझे लग रहा है ग्रैंडपा ना ग्रैनी के साथ घूमने चला गया, लेकिन वेट में इधर। ओ भाई ये तो मेरे ठुक गया भाई, लेकिन भाई देख लो यार ये गेट खुला पड़ा था, वेट इनसे पूछ लेता हूँ मैं जल्दी, लेकिन सुबह पनवेल ये तो ऑलरेडी मुझसे डर रहा है यार। फटाफट इधर से निकलता हूँ, और कहाँ पर ग्रैंडपा होगा। अभी मैं सामने चलता हूँ गाइस, मुझे सामने तो कोई दिख रहा है, देखो गाइस एक मिनट, एक मिनट गाइस ग्रैंडपा मुझे लग रहा है इधर ही है। फटाफट अंदर चलता हूँ मैं, और ये देखो भाई पता नहीं इधर कहाँ पर दीपका खड़ा है भाई, देख रहे हो यार ये ग्रैंडपा बहुत तेज है। ग्रैंडपा मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ने ढूंढा, और तुम इतने डरे हुए क्यों हो, मुझे तो लग रहा है तुम्हें किसी से डर लग रहा है, तभी तो तुम इतने अंदर आकर छुपे हो, क्या हुआ ग्रैंडपा। अरे नहीं रो भी रो, मैं कैसे डरूंगा, मुझे तो डराने के लिए ग्रैनी काफी है रे। अरे तो ग्रैंडपा तुम अभी कहाँ जा रहे हो, इतनी तेज तेज चल के इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तूने तो कहा था वाइस टाउन में चलते हैं, देख मेरे पास दो दो बाइक खड़ी है, एक तो देखिए वाली बाइक है, ये तो थोड़ी नई है, इससे चलते हैं। है बुड़बाक ये मेरी बहुत पुरानी बाइक है, ये पूरी 200 साल पुरानी बाइक है, देख रो फिर जल्दी बैठ, अब हम वाइस टाउन में चलते हैं। अरे ग्रैंडपा पूरी बाइक भी अपने जैसे ली रखी है। रो फिर तुझे नहीं पता ये बाइक बिना पेट्रोल के भी चलती है। ओए ओए ये कौन तब है। अरे बाप रे पूरी 200 हड्डी टूट गई यार मेरी तो। ग्रैंडपा मैंने तो पहले कहा था एक कबाड़ा बाइक है, और इसको लेकर क्यों चल रहे हो। रो फिर जल्दी से बैठ, तुझे नहीं पता ये बाइक कितनी खतरनाक है, अभी दिखाता हूँ मैं। ये देख रोपीरो, देखो ग्रैंडपा बाइक को आराम से चलाओ, मुझे रोपीरो वाइस टाउन में जिंदा पहुँचना है। ग्रैंडपा आराम से चलाओ बाइक। अच्छा बैठ बुड़बक, ओए तू हमें क्यों ठोकरा है, अब देखना रोपीरो मैं कितनी खतरनाक बाइक चलाता हूँ, अब ग्रैनी के डंडे की कसम कहीं नहीं ठोकूंगा। फोट गया रोपीरो। मजा आया ग्रैंडपा, टकला फूट गया ना। अरे अरे मुझे मत ठोको, इस टकले को ठोको, इसने ठोक रखा है सबको। भैंस की पहुंच, अब मैं कभी बाइक नहीं चलाऊंगा। जल्दी आ रो फिर भाग के चलते हैं वाइस टाउन में। भैंस की पहुंच बल्ले। अरे ग्रैंडपा आराम से चलो, बस अब हम कुछ ही देर में वाइस टाउन में पहुंचने वाले हैं। तो बावड़ी पहुंच, आगे आगे तू चल, पीछे पीछे मैं चलता हूं। हां हां तो ठीक है ग्रैंडपा, आ जाओ जल्दी से। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं वाइस टाउन में। तो ग्रैंडपा कैसा लगा वाइस टाउन। बुड़बक अभी तो मैंने 2.5 कदम रखे हैं, लेकिन मजा आ गया। देखो ग्रैंडपा टिप्सन बोस के सामने ज्यादा मत बोलना, क्योंकि ग्रैंडपा वो टिप्सन बोस ना तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, वो जो बोले उसकी बात आराम से सुन लेना। और रॉपीरो बोलवा, और ये टिप्सन कौन है बे, ये वाइस टाउन अब टिप्सन का नहीं, अब ये वाइस टाउन है ग्रैंडपा टकले का। अरे अरे ग्रैंडपा तुम्हें नहीं पता वो टिप्सन कितना खतरनाक है, पूरे 1000 सालों से वाइस टाउन में है वो, और कहीं पर भी नहीं गया। और देखो देखो अभी हम टिप्सन के पास आ चुके हैं, और टिप्सन बोस ये देखो मैं ग्रैंडपा को लेकर आ गया। अरे रॉपीरो ये कोई ग्रैंडपा थोड़ी है, ये
तो ग्रैंड पा हमसे गले, इसको तो मैं भी बताता हूँ। अरे बड़बा, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझसे बाद में। अरे टिप्सन बॉस, मैं इस ग्रैंड पा को कितनी मुश्किलों में लेकर आया था और तुमने इसको ऐसे ही भगा दिया खामी खा के। अच्छा अच्छा रोपिरो, इस टकले ग्रैंड पा के ऊपर तू मुझे बोल रहा है, ठीक है रोपिरो ठीक है। अरे टिप्सन बॉस, ग्रैंड पा बहुत खतरनाक है, अब ये ग्रैनी को लाकर तुम्हें परेशान करेगा, देखना टिप्सन बॉस।